अपने आप को एक जहाज के टॉप से अपने आप को बांध दिया, ताकि समंदर के जो माइंड पे अगर आप काम नहीं कर रहे हो, उनकी विचारधारा को, उनकी सोच को, टर्नर की, विंची की, वैन गॉग की, पिकासो की सोच आप रहे हो आसमान छूने का, तो कहीं ना कहीं 20वीं मंजिल की बिल्डिंग तो छू ही लो। जो उनके लाइफ का मकसद था वो ये कि लैंडस्केप को ऊपर लेवल पे ले जाया जा सके। इंग्लिश में सबलाइन का अर्थ है कि ऑफ समथिंग विच इज ऑफ एक्सट्रीम हाई क्वालिटी विच मेक्स अस एडमायर दैट थिंग वेरी वेरी मच। किसी भी चीज़ का ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे होना जिसकी वजह से हम उसके प्रति उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। JMW टर्नर, मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट ब्रिटेन के। इंग्लिश पेंटर थे, रोमांटिक पेंटर थे। रोमांटिक का अर्थ होता है रोमांटिसिज्म जो था वो एक एक तरीके का मूवमेंट था आर्ट आर्ट की हिस्ट्री में, जहाँ पे जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होती थी, जहाँ पे आर्टिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करते थे अपने पेंटिंग्स के जरिए। और JMW टर्नर एक बहुत ही महान कलाकार, अपने आप को नेचर में इतने ज़्यादा इन्होंने झोंक दिया था कि नेचर की ये जो भयानक स्थिति होती है, सुनामी आ जाना, बाढ़ आ जाना, एक समंदर के बीच में एक तूफान का उठ जाना, इन सब चीज़ों को वो क्लोजली देखते थे। अपने आप को ऐसे कंडीशन में रखते थे कि वो इन चीज़ों को देख पाए। अपने आप को एक जहाज के टॉप से अपने आप को बांध दिया, ताकि समंदर के जो तूफान है उसको खुद देख पाएं, उसको स्टडी कर पाएं, ऑब्जर्व कर पाएं और फिर उस पेंटिंग को उतार पाएं अपने स्टूडियो में जाके अपने कैनवस के ऊपर। एक बहुत ही नेचर से जुड़े हुए, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा अजीब से, बहुत ज़्यादा पागलपन, जैसे कहते हैं ना कि जीनियस जो होते हैं वो पागल होते हैं, तो एक पागलपन था उनके माइंड में। और ये सारी चीज़ें उनके बारे में कही गई हैं, लिखी गई हैं, उनके डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाई गई हैं, उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है मिस्टर टर्नर नाम की। इस मूवी को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही साइलेंट, सुंदर, सिंपल सी मूवी है, लेकिन उनके आखिरी जो उनके लाइफ के आखिरी 25 साल रहे उस बारे में ये मूवी बनी गई है। खैर, आज हम बात करेंगे उनके लाइफ के कुछ फिलोसफीज के बारे में, उनके बारे में समझेंगे कि क्या उनकी लाइफ हमें दर्शाती है और क्या चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। एक चीज़ जो उनकी, अगर पूरी लाइफ को मैं समअप करूं कि क्या उनकी लाइफ रही, अपने लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट वो रहे, ओके, ब्रिटेन के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट, क्योंकि बहुत आर्टिस्ट हुए हैं पास्ट में, लेकिन बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो जीते जी सक्सेसफुल हुए हों, जिन्होंने जीते जी बहुत अर्न किया हो अपने आर्ट के प्रति, नाम कमाया हो, दौलत कमाई हो, और उसमें से एक थे JMW टर्नर, जोसेफ मेलॉर्ड विलियम्स टर्नर, ओके। और ये अपने टाइम के, सिर्फ अपने टाइम के क्या, हमारी आर्ट की हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैरीटाइम पेंटर के नाम से भी फेमस है। ओशन के मास्टर इनको कहा जाता है, द मास्टर ऑफ द ओशन, ओके, क्योंकि इनकी जो पेंटिंग है वो ओशन को, ओके, समुद्र को, जहाज को, मैरीटाइम का मतलब कि जो समंदर से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड, जहाजों से रिलेटेड, ओके, उन सब से चीज रिलेटेड जो आर्टवर्क्स होते हैं उसको मैरीटाइम पेंटिंग्स कहा जाता है। तो इन सब के मास्टर को, मास्टर के रूप में इनको देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ बहुत ज्यादा कुर्बान कर दी समुद्र को समझने में, ओके, जहाज की, जहाज में किस तरीके से वहाँ की लाइफस्टाइल होती है, किस तरीके से लोग समुद्र में, कैसी लहरें आती हैं, कैसा उसका नेचर होता है, कैसे वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, इसको समझने में उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत साल लगाए। हालांकि उन्होंने लैंडस्केप के ऊपर और भी बहुत सारे लैंडस्केप पे काम किया है, लेकिन समुद्र की अगर हम बात करें, सीस्केप की बात करें, ओशन की पेंटिंग्स की बात करें, तो उसमें सबसे पहला नाम अगर किसी को भी बोला जाए ओशन पेंटिंग्स का, अगर कोई मास्टर था तो वो था JMW टर्नर। अब कुछ चीज़ें उनके बारे में जानते हैं, उसके बाद उनकी कुछ फिलोसफिकल पॉइंट्स, उनकी लाइफ से जो फिलोसफी नज़र आ रही है उसके ऊपर बात करेंगे। एक बहुत ही, जो उनके लाइफ का मकसद था वो ये कि लैंडस्केप को ऊपर लेवल पे ले जाया जा सके, क्योंकि वो जिस टाइम पे थे वहाँ पे, उस समय क्या था कि स्टैंडर्ड बना दिया गया था कि जो ऐसी पेंटिंग करेगा वो एक नंबर पे रहेगा, जो ऐसी पेंटिंग करेगा वो सेकंड लेवल पे रहेगा। तो सबसे जो टॉप लेवल पे पेंटिंग मानी जाती थी वो उन आर्टिस्टों को माना जाता था जो हिस्ट्री से रिलेटेड पेंटिंग करते हैं, ओके, मान लो कोई हिस्ट्री में कोई घटना घटी हो उससे रिलेटेड कोई पेंटिंग बनाया, जहाँ पे बाइबल हो या फिर जो भी उनका एक हिस्ट्री का जो माइथोलॉजी थी
वो जो बिलीफ था उस जमाने में लोगों का अपनी माइथोलॉजी पे, अपनी हिस्ट्री पे, जो उनको नॉलेज थी उससे रिलेटेड जो पेंटिंग बनती थी उसको सबसे टॉप माना जाता था कि जो आर्टिस्ट हिस्ट्री से, माइथोलॉजी वगैरह से रिलेटेड पेंटिंग बनाता है वो सबसे बेस्ट आर्टिस्ट है। सेकेंड लेवल पे माना जाता था उन आर्टिस्टों को जो जॉनरा पेंटिंग करते हैं, कि एक जॉनरा पकड़ लिया, लाइफस्टाइल पकड़ लिया, कि ये लाइफस्टाइल है, चार पांच लोग मिल के बात कर रहे हैं, यहाँ पे चार पांच लोग घूम रहे हैं, या फिर कहीं कोई सीन है जहाँ पे कुछ लोग आपस में एक दूसरे से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब डेली लाइफ, ओके, रियल लाइफ, डेली लाइफ से जो इंस्पायर होकर पेंटिंग बनती थी उसको सेकेंड लेवल पे रखा जाता था। और थर्ड लेवल पे, यानी कि सबसे लोअर लेवल पे, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, इन सबको लोअर लोअर लेवल पे रखा जाता था। और लैंडस्केप को तो और लोअर लेवल का माना जाता था कि लैंडस्केप बहुत लोअर लेवल की पेंटिंग है, ये बहुत मतलब आसान है, सिंपल टाइप की है, और उसको उतना दर्जा नहीं मिलता था। तो JMW टर्नर, इनका सबसे बड़ा लाइफ का मकसद यही था कि लैंडस्केप को इस लेवल पे मैं लेके जाऊं कि जो सबसे टॉप लेवल की पेंटिंग, जिसको सबसे नोबल पेंटिंग माना जाता है, माइथोलॉजी हिस्ट्री लेवल पे पेंटिंग जो बनाई जाती है जहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टर्स, बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया जाता है, उस लेवल पे मैं इस लैंडस्केप को लेके जाऊं, क्योंकि लैंडस्केप में भी इतना कुछ होता है जो दुनिया ने नहीं देखा है। लैंडस्केप में अब उनकी पेंटिंग्स को आप देख के ये फील कर सकते हो कि उनकी क्या सोच थी कि लैंडस्केप में क्या क्या हो सकता है। लैंडस्केप में सिर्फ सिंपल लैंडस्केप ही नहीं होता, उसमें बहुत सारे नेचर के एलिमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नेचुरल फेनोमेना ऐसे होते हैं, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रही है, ये जो पावरफुल, जो मैंने बोला ना सबलाइन, ये पावरफुल इम्पैक्ट जो चीज़ें हैं वो दर्शाना चाहते थे अपनी पेंटिंग में। और इनका सबसे बड़ा, अपनी इनकी लाइफ का जो पूरा मकसद था वो यही था कि लैंडस्केप को मैं इस लेवल पे लेके जाऊं कि कल की डेट में कोई लैंडस्केप आर्टिस्ट बने, कोई लैंडस्केप के बारे में बात करे तो उसको कहीं से किसी भी रूप में से कम न समझा जाए। हर आर्टिस्ट के कोई ना कोई इंस्पिरेशन जरूर होते हैं जब वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में महारथी बनने की तरफ निकलता है। तो जब JMW टर्नर ने ये सोचा कि लैंडस्केप को बहुत बड़े लेवल तक ले जाना है, तो उनसे पहले दो आर्टिस्ट जिनसे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे, एक थे निकोलस पुसेन, एक थे क्लॉड लॉरेन। ये दोनों ही आर्टिस्ट लैंडस्केप के ऊपर काम करते थे। क्लॉड लॉरेन के जो लैंडस्केप थे उसमें क्लॉड लॉरेन जो ह्यूमन फिगर्स हैं, ह्यूमन को बहुत ज्यादा दर्शाते थे। तो उनसे ये इंस्पायर होके JMW टर्नर ने भी अपने लैंडस्केप में दिखाया कि किस तरीके से जो माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स हैं उसको हम उठा के लैंडस्केप के आर्टवर्क्स में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से वो इंस्पायर हुए इन दोनों आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में। अब कुछ और लेसन हम देखते हैं जो JMW टर्नर इनकी लाइफ से हमें नजर में आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इनकी लाइफ से नजर में आता है वो ये कि नेचर की ब्यूटी को समझना, नेचर, आप उनकी लाइफ को अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियर कट ये समझ में आता है कि नेचर, कुदरत में कितनी ज्यादा चीजें हो सकती हैं, उसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है JMW टर्नर। जब समय ऐसा था, लोग लैंडस्केप को छोटा मानते थे, लोग लैंडस्केप की परवाह नहीं करते थे, उसको लोअर लेवल का आर्टवर्क मानते थे, तब ये सोचते थे कि लैंडस्केप जो कि कुदरत में हमें दिखता है, उस कुदरत ने हमें कितना कुछ दिया, उस कुदरत में कितनी कुछ चीज़ें हैं, उस कुदरत की खूबसूरती किस लेवल पे है, वो अपने आप को उस कुदरत में इतना एक्सट्रीम ले जाते थे कि वो ना अपनी हेल्थ की चिंता करते थे, ना अपना वो सोचते थे कि इससे मैं कितना, ये मेरे लिए कितना डेंजरस हो सकता है। उस समय वो अपने आप को इतना ज़्यादा इस नेचर में खो चुके थे कि वो हर समय नेचर को देख रहे होते थे कि नेचर में क्या हो सकता है। इनफैक्ट इस मूवी में, जिस मूवी का मैंने नाम लिया JMW टर्नर, वहां पे उनका ये अट्रैक्शन दिखाया गया, एक पागलपन दिखाया गया कि कोई जब मर जाता है, ओके, मान लो समंदर में डूब के कोई मर गया या कहीं से किसी की लाश आती है, तो कितना बेचैन हो जाते थे उसको स्केच करने के लिए, क्योंकि वो नेचर, क्योंकि इस चीज में भी वो नेचर का एक विशालपन देखते थे, एक विशाल का नेचर का एक छोटा सा हिस्सा कि किसी की मौत हो जाना, वो भी उन चीज़ों को चाहते थे कि अपने आर्टवर्क में उतार सकें, उस आर्टवर्क में उस चीज़ को समेट सकें, क्योंकि एक नेचर की पावर, किसी का डेथ हो जाना एक नेचर की पावर को दिखाता है कि नेचर के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। और नेचर की पावर को दर्शाना उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा मकसद था, नेचर की खूबसूरती को समझना, उनकी खूबसूरती प्लस उसकी एक्सट्रीम लेवल को समझना कि नेचर कितना ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, प्लस उसमें कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें हो सकती हैं जो ह्यूमन काइंड को दिखाना जरूरी है। और वो अपने आर्टवर्क में चीज़ फील करते थे और ये समझते थे कि नेचर से हमें बहुत कुछ मिल सकता है, नेचर की खूबसूरती से, और वही चीज़ उनकी आर्टवर्क में नजर आती है। दूसरी चीज़ जो उनकी फिलॉसफी में, उनकी लाइफ फिलॉसफी में, उनके वर्क्स में नजर में आती है, ये कि उनका लाइट एटमोस्फियर के प्रति रुझान होना, कि कितना ज़्यादा वो इस चीज़ की ज़्यादा चिंता करते थे कि जो एटमोस्फियर है
वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है उनके आर्टवर्क में, वजह इसके कि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस हो, उनका फोकस इस चीज पे कम रहता था कि ये मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर काम करूंगा, उनका फोकस इस पे ज्यादा रहता था कि ये जो एटमोस्फियर है जिस जगह पे ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका मेन जॉनरा तो लैंडस्केप ही था और लैंडस्केप में एटमोस्फियर बहुत मैटर करता है, लाइट बहुत मैटर करती है कि सूरज कहाँ से निकल रहा है तो कैसी रोशनी आ रही है, सूरज के वजह से जो लहरों में चमक है वो कैसी बन रही है, जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा आ रहा है, ये लाइट का जो इंपॉर्टेंस था उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा फोकस करते थे। अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट होते हैं, किसी का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, किसी का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, इनका जो सब्जेक्ट था वो एक पर्टिकुलर, नो डाउट ये समुद्र के लिए फेमस हुए कि मैरीटाइम पेंटर, वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ ऑल टाइम, हु यूज्ड टू पेंट द ओशन, हु यूज्ड टू पेंट द शिप्स, इनका सब्जेक्ट डेफिनेटली समुद्र, जहाज, ये सब रहा, लेकिन इनका जो मेन ओवरऑल जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव था, ब्रॉड जो गोल था, वो एटमोस्फियर की तरफ ज्यादा था कि एटमोस्फियर कैसा होना चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, वो मेन था। और धीरे 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 जैसे जैसे इनकी लाइफ को अगर आप देखेंगे तो शुरू में जो इनके आर्टवर्क्स थे और जो बाद के आर्टवर्क्स थे, तो बाद वाले आर्टवर्क्स में काफी ज्यादा इंप्रेशनिस्टिक फील आने लगा, वो सब्जेक्ट के ऊपर और ज्यादा कम अपना इंपॉर्टेंस दर्शाने लगे, सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कम करने लगे और एटमोस्फियर के ऊपर ज्यादा काम करने लगे समय के साथ साथ, ओके। और उनके जो आर्टवर्क्स जो मेन सब्जेक्ट थे वो धीरे धीरे ब्लर भी होने लगे, ओके, उनको वो बैक में रखने लगे, चीजों को ब्लर करने से वो चीजें बैक में जाती हैं और उसको वो ब्लर करके ज्यादातर अपने एटमोस्फियर की खूबसूरती, एटमोस्फियर का कलर था उसके ऊपर ज्यादा फोकस वो धीरे धीरे करने लगे और इनके काफी आर्टवर्क्स इस तरीके के जहाँ पे बहुत एब्स्ट्रैक्ट फील है, बहुत बहुत माइन्यूट सा एक एहसास कि यहाँ पे कोई चीज है, कोई जहाज है या दूर में कोई कंस्ट्रक्शन का कोई हिस्सा है, कोई बिल्डिंग है, कुछ है, बहुत माइन्यूट वो फीलिंग थोड़ी थोड़ी रहने लगी, लेकिन मेन जो मेन आर्टवर्क्स था वो डेडिकेट होने लगा एटमोस्फियर के लिए, डेडिकेट होने लगा उस कलर को दर्शाने के लिए जो कुदरत हमें देती है। तीसरी चीज जो उनके आर्टवर्क से हमें दर्शाती है उनकी जो लाइफ के जर्नी रही, उनका फोकस बहुत ज्यादा था अपने आर्टवर्क के थ्रू सामने वाले पर्सन जो व्यूअर हैं उनके मन में कुछ इमोशंस आए, और ये चीज आप उनके वर्क्स में देख के फील कर सकते हो कि उनका थॉट क्या था इन आर्टवर्क्स को बनाते वक्त। अगर आप इन वर्क्स को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि कैसे वो इमोशन को दर्शाने की पूरी कोशिश करते थे कि एक अगर वो समंदर में बाढ़ दिखा रहे हैं, एक तूफान दिखा रहे हैं, तो तूफान का एहसास, उसका इमोशन मेनली उस पर्सन तक पहुंच पाए जो उस पेंटिंग को देख रहा है, क्योंकि वो एक रोमांटिक आर्टिस्ट थे, रोमांटिक पेंटर थे, रोमांटिक जो मोमेंट चल रहा था उस जमाने के आर्टिस्ट थे, 18th सेंचुरी में रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई थी और रोमांटिसिज्म का जो सबसे मूल जो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि पेंटिंग में बहुत ज़्यादा टेक्निकल पार्ट ना दिखा के, बहुत ज़्यादा टेक्निकल लेवल पे काम ना करके, जो इमोशनल एस्पेक्ट है, जो इमोशनल फीलिंग्स हैं वो ज़्यादा हम ला सकें और बहुत ज़्यादा रियलिटी से कनेक्ट ना करके कुछ ऐसा फेरी लैंड टाइप का या कुछ ऐसा या इमेजिनेशन के थ्रू कुछ ऐसा सीन बना सके, भले वो फिगर के रूप में हो या लैंडस्केप के रूप में हो, ऐसा कुछ इमोशन दर्शा सके जो सामने वाले को इमोशनली ज्यादा कनेक्ट करे, वजह इसके कि उस टेक्निकलिटीज को ज्यादा अप्रिशिएट करने के उसके इमोशन को ज्यादा अप्रिशिएट करे। तो ये जो रोमांटिक पीरियड था उस जमाने में, ये जो टर्नर थे उनका ये आर्टवर्क्स बहुत खूबसूरती से इमोशन को दर्शाता है, उनके लैंडस्केप में आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन एक चीज पॉइंट यहाँ पे मैं एक लेसन यहाँ पे मैं अगेन ऐड करना चाहूंगा कि उनका इमोशन को दर्शा पाने का काबिलियत भी तभी पैदा हुआ जब उनका टेक्निकल एस्पेक्ट स्ट्रांग है, अदरवाइज ये आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आज के जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, वो इस चीज़ को बहुत गलत ले लेते हैं कि हम भी अपने आर्टवर्क में इमोशन डाल देंगे, हम भी अपने आर्टवर्क में ये फीलिंग को दर्शाएंगे। लेकिन इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत बार एक लेसन बनाया है कि जब तक टेक्निकली आप स्ट्रांग नहीं हैं तब तक आप इमोशन को डाल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। और बात जब फंडामेंटल्स की हो रही है तो फंडामेंटल्स को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे आप आगे चल के किसी भी फील्ड में ग्रो कर पाएंगे एज एन आर्टिस्ट। और इसीलिए हमने आपके लिए एक फ्री ईबुक भी डिजाइन किया है सो दैट पोर्ट्रेट की फंडामेंटल्स क्या होते हैं या किसी भी पोर्ट्रेट को शुरुआत कैसे किया जाता है उसके ऊपर कुछ बेसिक रूल्स
आपके लिए हमने डिजाइन किया एक फ्री ईबुक के जरिए। वो फ्री ईबुक आपको कैसे मिलेगी? सिंपली इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उस लिंक में आपको जाके उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होना है एंड कल उस व्हाट्सएप कम्युनिटी पे वो फ्री ईबुक शेयर किया जाएगा, जिसको आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। एंड आने वाले टाइम में भी व्हाट्सएप कम्युनिटी में काफी अपडेट्स, काफी इन्फॉर्मेशन, काफी इवेंट्स की टाइमली अपडेट्स दी जाती है। सो मेक श्योर कि अगर आप फ्यूचर में भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो रहे हैं तो वहाँ पे प्लीज कनेक्टेड रहिएगा, सो आने वाले टाइम में भी जो अपडेट्स हो, जो बेनिफिट्स हो, वो आपको मिल सके। टर्नर ने इमोशन इतनी खूबसूरती से वो डाल सके क्योंकि वो टेक्निकल पार्ट में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग थे और बहुत सालों से काम कर रहे थे। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने बहुत सीरियसली आर्ट को बहुत अच्छे लेवल पे काम करना उसके ऊपर शुरू कर दिया था। टेक्निकल लेवल पे बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया था, कई साल तक बहुत डीप लेवल पे स्टडी किया था, फंडामेंटल पे बहुत स्ट्रांगली काम किया। एक लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचने के बाद, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे काम करने के बाद ये चीज़ें आप आती हैं किसी के अंदर कि वो ये सोचें कि अब मैं ये चीज़ के ऊपर ऐसे काम करूंगा या ऐसे करूंगा। वो कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब आपका फंडामेंटल लेवल पे, अपने टेक्निकल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो शुरुआत से, तब जाके आप बाकी चीज़ें आगे चल के कर सकते हो। अदरवाइज आप सोच सकते हो कि मैं ये करूंगा, पुराने आर्टिस्टों के बारे में देख के आप इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन वो इंस्पिरेशन तभी काम आएगी जब आप अपना बेस पहले स्ट्रांग कर सकें। चौथा पॉइंट उनकी फिलॉसफी से नज़र आता है कि उनको इंडिविजुअलिज्म चाहिए था। इंडिविजुअलिज्म, अपने आप को शो करना कि मेरी एक पहचान है, उस पहचान को बनाने के लिए वो उस ज़माने के चैलेंजेस से बहुत ज़्यादा लड़े। क्योंकि जब टर्नर ने अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करना शुरू किया, जब वो ऑलरेडी बहुत कमाल के वर्क्स बनाते थे और दुनिया उनको अप्रिशिएट करती थी, ओके, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे, कोई थोड़ा सा बोल देता तो बहुत गुस्सा हो जाते थे उनका, मतलब वियर्ड नेचर बहुत वियर्ड रहा। लेकिन वो जिस टाइम पे काम कर रहे थे तो वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली काम कर रहे थे, जिस टाइप का वर्क्स समाज को चाहिए था उसमें वो अव्वल दर्जे पे काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती गई और जैसे जैसे वो नेचर के इस सप्लाई को समझते गए कि नेचर का ये जो प्रकोर रूप है, एक विशाल का रूप है, इसकी एक जो खूबसूरती है उसको मैं इस तरीके से अपने वर्क में दर्शाऊंगा, कि जब उन्होंने एक्सप्रेशनिज्म जैसा एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में अपने आर्टवर्क को रखना शुरू किया, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ना करके ज़्यादातर इमोशन लेवल पे काम करना शुरू किया, तो बहुत लोगों ने उनको ताने दिए, बहुत गालियाँ सुनी, बहुत बदनामी हुई उनकी उस समय, ओके, और वो ये सारी चीज़ें उनकी हिस्ट्री में, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो उनको ये चैलेंज फेस करना कितना मुश्किल रहा होगा इस पर्सन के लिए जो ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेसफुली काम कर रहा है। जो आदमी समाज की इस चीज़ के लिए तारीफ करेगा, वो तारीफ करने के लायक वो पेंटिंग ऑलरेडी कर रहा था, वो मास्टर, उसको सब मास्टर पहले से मानते थे कि दिस इज द मास्टर आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन उसके बाद भी उनके उन विचारों को, समाज के उस विचारों को तोड़ते हुए उन्होंने जब ये कदम बढ़ाया कि और ज़्यादा इमोशनल लेवल पे, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी चीज़ों को मैं दर्शाऊंगा, इस तरीके से चीज़ों को रखूंगा, इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल जो कि बहुत बाद में आया, लेकिन इस तरीके से कि इमोशनल लेवल पे चीज़ों को मैं ज़्यादा एक्सप्रेस करूं, बजाय इसके कि इतने लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, ओके, टॉप लेवल पे उस समय जो ऐसा होता था ना कि राजा महाराजाओं के लिए ज़्यादातर पेंटिंग बनाई जाती थी, या जो रिच लोग हैं वही लोग पेंटिंग्स को खरीद पाते, तो बहुत एक ऐसा माहौल था पहले के टाइम कि बहुत कम लोग आर्ट को समझते थे, बहुत कम लोग आर्ट को देख पाते थे, और वो जो कम लोग देख पाते थे, जो अच्छे लेवल के लोग थे, जो रिच लोग थे, जो राजा महाराजा टाइप के लोग थे, अगर वो लोग ही अप्रिशिएट नहीं करते थे तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए उसको झेल पाना बहुत चैलेंजिंग था, बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत एक डिप्रेसिंग था। तो फिर भी उन्होंने उस चीज़ को समझा और अपनी पहचान बनाने के लिए काम करते रहे, अपने आप को इतना ज़्यादा उस स्टाइल में, जो स्टाइल के ऊपर उन्होंने काम किया इतने सालों तक, उसमें इतना माहिर कर लिया कि आखिरकार उनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट घोषित किया गया मैरीटाइम पेंटिंग्स में, मास्टर ऑफ ओशन, बहुत सारे नामों से उनको नवाजा गया। हर आर्टिस्ट में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में लियोनार्डो दा विंची वाले वीडियो में बोला था कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, कुछ चीज़ें उनकी मैच होती हैं, लेकिन एक वर्ड जो मैं विंची के लिए मैंने इस्तेमाल किया था कि क्यूरियोसिटी, वैसे ही JMW टर्नर, इनके लिए मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा, एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, बाकी चीज़ें भी होती हैं हर आर्टिस्ट में, बाकी चीज़ें भी हैं कि वो बहुत हार्डवर्किंग थे, बहुत ज़्यादा वो डीप लेवल पे काम करते थे, बहुत स्टडी करते थे, बहुत कुछ सीखते थे। क्यूरियोसिटी उनमें भी थी, इनमें भी थी, और बाकी सारे आर्टिस्टों में जिन्होंने सक्सेसफुली काम किया है, और हर फील्ड सब में रहती है। लेकिन होता ना, एक चीज़ होती है जो इनके लिए ज़्यादा फील देती है कि ये वाली चीज़ इनके ऊपर सूट करती है। तो जैसे उनको विंची को जब मैं याद करता तो उनकी क्यूरियोसिटी मुझे सबसे ज़्यादा पहले हिट करती है,
जब मैं टर्नर को याद करता हूँ तो उनकी एक्सपेरिमेंटेशन मुझे सबसे ज़्यादा हिट करती है कि एक्सपेरिमेंटेशन इनके लिए एक बहुत कमाल का चीज़ था। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते थे, ऐसा लगाऊंगा तो कैसा कलर आएगा, ऐसा करूंगा, ऐसे ब्रश की टेक्निक इस्तेमाल करूंगा तो कैसा इफेक्ट आएगा। पिक्चर में तो बनाते बनाते पेंटिंग में थूक दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। वो वाला जो एक पागलपन था ना, पागलपन इनके 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 लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इनके कैरेक्टर को दर्शाता है। लेकिन जो इनका एक्सपेरिमेंट करने की चाहत थी कि मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऑयल पेंटिंग्स में काम करते थे, वाटर कलर के ऊपर इन्होंने हज़ारों काम किए, वाटर कलरिस्ट के नाम से भी पॉपुलर है। तो बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करते थे, कैनवास को ऐसे करूँ, वैसे करूँ, ऐसे टेक्सचर लगाऊँ, ऐसे पेंट करूँ, ब्रश को ऐसे यूज़ करूँ। बहुत बहुत एक्सपेरिमेंटेशन एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो टर्नर से हमें सब कुछ सीखना चाहिए, हमें सबको ये समझना चाहिए कि लाइफ में जो भी हम कर रहे हैं उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। और एक्सपेरिमेंट मतलब कि अंधा एक्सपेरिमेंट नहीं, एक मैच्योर एक्सपेरिमेंट और एक बेवकूफ़ी वाला एक्सपेरिमेंट में बहुत फ़र्क होता है। जैसे एक मैच्योर सवाल में और एक बेवकूफ़ी भरा सवाल में बहुत फ़र्क होता है। कई लोग कहते हैं कि सवाल बेवकूफ़ी भरा नहीं होता, होता है बहुत बेवकूफ़ी भरा सवाल भी होता है। कोई चीज़ सामने है लेकिन आप उस पर ज़बरदस्ती सवाल पूछ रहे हो, जबकि आंसर आप खोज सकते हो खुद से भी, आंसर नीचे लिखा हुआ है लेकिन फिर भी हम सवाल पूछ रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ी वाला सवाल है। सवाल वो मैच्योर होता है जहाँ पे आपने खुद स्टडी किया, चीज़ें समझी, नहीं समझ में आया फिर आपने जाके एक लेवल पे सवाल पूछा, खुद मेहनत ही नहीं किया, जस्ट कोई सामने सवाल का आंसर देने बैठा है तो आप पूछे जा रहे हो पूछे जा रहे हो। तो वो एक बेवकूफ़ी वाला माइंडसेट है कि हम ज़बरदस्ती पूछने के लिए पूछ रहे हैं। वैसे एक्सपेरिमेंटेशन में भी जब तक हमारे पास बेस नहीं है तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या? एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है जब उसको पहले से ये नॉलेज होता है कि ये केमिकल्स होते हैं, ये रूल्स होते हैं, ये साइंस के लॉज हैं, इन सबको वो जानता है। उसके बाद वो चार चीज़ों को मिला के देखता है कि हाँ ये सब मुझे पता है लेकिन अगर ऐसे कर दूँ तो क्या होगा। वो मैच्योर एक्सपेरिमेंट है, ओके। लेकिन एक बच्चा है जिसको केमिकल के नाम नहीं पता है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं है, बस लेबोरेटरी में घुस गया, चार चीज़ को मिला रहा है, पता भी नहीं कि किसको मिला रहा है, पता भी नहीं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो अगले बार किस चीज़ को नहीं मिलाना है ताकि वो एक्सपेरिमेंट फेल होने से बच जाए। ये जो मैच्योर लेवल के एक्सपेरिमेंट्स हैं उस पर आने के लिए पहले अपने अपनी नॉलेज पे, अपनी लर्निंग्स पे काम कंटिन्यूसली करते जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ओके, मैं मान लो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, मैंने 50 वीडियो तो पहले डाली, 50 वीडियो पहले मैंने यूट्यूब पे इसलिए डाली क्योंकि मुझे समझना था कि डालते कैसे हैं, वीडियो पे बात कैसे करते हैं, वीडियो पे चीज़ें शेयर कैसे करते हैं, अगर मुझे आर्ट पे टीचर के तौर पे अपनी लर्निंग्स को शेयर करना है तो करते कैसे हैं। पहले उसको किया 8-10-50 बार किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे दिमाग में आया कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा ना एग्जाम्पल को मैं ऐसा दूंगा तो सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं लाइटिंग को ऐसा रखूंगा तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा वीडियो में। ये थॉट क्रिएटिविटी प्लस एक्सपेरिमेंटेशन, क्रिएटिविटी मैंने सोचा कि कैसे करूंगा, किस तरीके से मैं करूंगा, एक्सपेरिमेंट किया कि चलो करके देखते हैं क्या होता है, फेल होता है कि सक्सेसफुल होता नहीं पता, लेकिन जो भी मैंने अब तक सीखा वीडियो डाल डाल के आर्ट के ऊपर करके, जो भी मैंने पढ़ा जाना उसके बेसिस पे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, हो सकता है फेल हो सकता है सक्सेसफुल हो, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो मैच्योर एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंटेशन में ये काफ़ी एक बहुत एक खूबसूरत एग्जाम्पल है टर्नर। ओके, 6 पॉइंट कि सी के ऊपर का इनका काम। अब हर आर्टिस्ट एक सब्जेक्ट मैटर पे काम करता है एक लेवल पे जाने के बाद। ये चीज़ मैंने विंशी वाले जब मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पे एक पॉइंट बताया था कि एक पर्टिकुलर एक फेवरेट सब्जेक्ट किसी का बन जाता है आगे चल के, कोई फिगर पे, कोई पोर्ट्रेट पे, वैसे इनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था समुद्र, सी, पानी, इसकी महानता को दर्शाने का इनका बहुत ज़्यादा प्रयास रहता था कि अपनी पेंटिंग में पानी का, समुद्र का, ये जो उसकी इनकी जो महानता है, इनका जो वॉशनेस है, कितना पानी जिसको हम लोग नॉर्मल एक एलिमेंट मानते हैं कि यार ये नॉर्मल पानी है, लेकिन उस पानी से कितना बड़ा कुछ हो सकता है, वो पानी नेचर में कितने विशाल का रूप में सामने आ सकता है। समुद्र में जब बाढ़ आती है तो उसका फील क्या होता है, समुद्र जब शांत होता है तो उसका फील क्या होता है। पानी के ऊपर जो इनका एक डीप एक कनेक्शन था, समुद्र के ऊपर जो इनका एक डीप कनेक्शन था, वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ फिलॉसफी को दर्शाता है कि जब हम किसी एक सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं तो उस सब्जेक्ट के अंदर डीप स्टडी करने के लिए, उस सब्जेक्ट के अंदर घुस जाने के लिए किस किस लेवल पे आदमी चला जाता है, किस किस लेवल पे उस सब्जेक्ट के ऊपर आदमी पागलों की तरह स्टडी करता है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको पोर्ट्रेट नहीं आता था, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको फिगर नहीं आता था या स्टिल लाइफ उनको नहीं आता था, स्टिल लाइफ पे भी उन्होंने काम किया, बहुत काम किया, पोर्ट्रेट पे भी काम किया। लेकिन ये पॉइंट मैं यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ये भी सवाल आता है बहुत सारे लोगों की तरफ से कि सर बहुत सारे लोग एक सब्जेक्ट मैटर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कोई पोर्ट्रेट पे बहुत ज़्यादा काम करता है, लैंडस्केप पे बहुत ज़्यादा काम करता है, तो वो पॉपुलर हो जाते हैं,
तो क्या हम भी ऐसा करें? नहीं, वो एक सब्जेक्ट पे काम किए तो पॉपुलर हो गए, लेकिन उस जगह पे पहुंचने के लिए उन्होंने पहले कई 20 साल तक एक बहुत अच्छे लेवल पे सब कुछ काम सब कुछ के ऊपर स्टडी किया, अच्छे से काम किया। वो चीज़ ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये तो टर्नर थे, इन्होंने तो पॉपुलर हो गई अपने समुद्र की पेंटिंग के लिए, ओके ये बुगेरो थे ये अपने फिगर के लिए फेमस थे, ये सार्जेंट थे वो पोर्ट्रेट के लिए फेमस थे। ऐसा नहीं होता है, वो फेमस उसके लिए हुए क्योंकि उस लेवल का वर्क वो एक सब्जेक्ट पे कर पाए और उस लेवल का वर्क वो एक सब्जेक्ट में करने के लिए पहले उन्होंने कई 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल न जाने कितना साल दिया है अपनी पूरी स्टडी में, अपने फंडामेंटल लेवल पे काम किया, अपने थॉट लेवल पे काम किया, अपने अंडरस्टैंडिंग पे काम किया, अपने सब्जेक्ट को बखूबी से समझने के ऊपर काम किया, अपनी स्टडीज पे काम किया, हजारों स्केचेस बनाए उनकी स्टडीज की, हर सब्जेक्ट मैटर को ध्यान से समझा, तब जाके धीरे धीरे उस उनके अंदर से आया कि अब मैं ये सब्जेक्ट पर काम करने के लिए सक्षम हूँ या नहीं हूँ। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा वाला था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक सब्जेक्ट पे काम कब करें, पता चलेगा पहले 15 साल दे दो, 15 साल सब्जेक्ट पे काम करो, हर चीज़ पे काम करो, हर सब्जेक्ट पे काम करो। टेक्निकली स्ट्रांग जब आप हो जाते हो तब आप पोर्ट्रेट भी बना लेते हो, तब आप लैंडस्केप भी बना लेते हो, तब आप स्टिल लाइफ भी बना लेते हो, उसके बाद उसको सब सब्जेक्ट को बहुत एडवांस लेवल तक जब करते जाते हो कई सालों तक, तब जाके आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि अब मुझे एक सब्जेक्ट में बहुत एडवांस सुपर एडवांस मास्टर लेवल पे काम करना है कि नहीं करना है, वो बहुत चीज़ें बाद में आती है। तो मेक श्योर कि पॉइंट्स क्लियर रहें कि आप किसी मास्टर आर्टिस्ट की लाइफ को जो 50 साल की उनका करियर रहा है, 40 साल का उनकी लाइफ हिस्ट्री रही है, उन 40 साल के बाद का जो पॉपुलैरिटी है उसको आप अपने पहले दिन से कंपेयर नहीं करना, अदरवाइज आप पहले दिन ही खत्म हो जाओगे, ओके नहीं तो आपका लाइफ जर्नी शुरू होने से पहले खत्म हो चुका है। और आप अगर बोल रहे हो कि सर मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ तो क्या अब मैं जा सकता हूँ, तो आपका टाइम मैटर नहीं करता कि आप 4 साल से काम कर रहे हो कि 8-10 साल से काम कर रहे हो, मैटर ये करता है कि उस 4 साल या 8-10 साल जो भी आप दे चुके हो उसमें आपने कितना सीखा और किस लेवल पे आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, तब जाके अब मैटर करेगा कि आप उस मास्टर के लेवल पे उनके हिसाब से कौन सी चीज़ें उनकी कॉपी करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। कई लोग ऐसा भी समझते हैं कि हम भी तो 4-5 साल से काम कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, कर रहे हो लेकिन कितना सही कर रहे हो वो भी तो चेक करना है ना। ओके वो पॉइंट्स मतलब ये कॉमन सेंस के पॉइंट्स है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अगर ये पॉइंट्स अगर आप बिना समझे सिर्फ किसी मार्शल आर्टिस्ट की सक्सेस को देख के, उनकी ग्रोथ को देख के, उनकी पॉपुलैरिटी को देख के, उनका उनका कितना बड़ा एक नाम था, ये सब कुछ देख के अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हो, इंस्पायर होने में और अट्रैक्ट होने में बहुत फर्क है। इंस्पायर होते हैं हम सामने वाले के काम से, अट्रैक्ट होते हैं हम सामने वाले की दौलत से, शोहरत से, उनकी पॉपुलैरिटी से, वो अट्रैक्शन है। ओके इंस्पायर करता है उनका वो काम कि वो पाने के लिए उन्होंने कितना काम किया। अगर आप इंस्पिरेशन खोज रहे हो तो इंस्पिरेशन आप उस पर्सन से भी ले सकते हो सकता है फाइनेंशियली जिन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, जैसे कि विंसेंट वैन गॉग, उन्होंने फाइनेंशियली अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं किया लेकिन इंस्पिरेशन वो पूरी दुनिया के है। तो इंस्पिरेशन आप ले सकते हो और जब आप इंस्पिरेशन लेते हो तो आप रियल में ग्रो करते हो। जब इन्होंने क्लॉड लॉरेंस से इंस्पिरेशन ली तो इन्होंने ये नहीं देखा कि क्लॉड लॉरेंस कितने सक्सेसफुल थे, क्या करते थे, इनका गोल था लैंडस्केप में महारथी बनना, लैंडस्केप को बड़े लेवल तक लेके जाना, और इन्होंने इंस्पिरेशन ली, टर्नर ने इंस्पिरेशन ली क्लॉड लॉरेंस से, उनके वर्क से इंस्पिरेशन ली। तो ये पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है आज के टाइम में जितने भी लोग आर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट टर्नर के बारे में कि ये प्यार से अपनाते थे, खूबसूरती से अपनाते थे समाज में हो रहे बदलाव को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ये इन्होंने शुरू में आर्किटेक्ट के ऊपर स्टडी की थी। ओके टर्नर जब शुरू में जब सीखने गए थे, सीख रहे थे, तो आर्किटेक्चर डिजाइंस और ये जो आर्किटेक्चर डिजाइंस है इन बिल्डिंग्स की ड्राइंग्स है, इनका ये लर्निंग इनके पेंटिंग्स में नजर आता है। ओके इनके पेंटिंग्स में जितने भी आप इनके वर्क्स देखोगे, आप देखोगे कि कैसे वहाँ पे बिल्डिंग्स और वो सारी आर्किटेक्चरल डिजाइंस हैं वो बहुत खूबसूरती से दर्शाई गई हैं। तो ये बहुत उनको इस्तेमाल किए हैं, लेकिन जो रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारे बदलाव आए, उन सब के ऊपर भी उन्होंने काम किया है, बहुत ज़्यादा इनके वर्क्स में वो चीज़ें दर्शन नज़र में आती है। और इनका जो चेंज था आर्टवर्क्स में चेंज आना, ओके उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपनाते थे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आर्टिस्ट चेंज को देखता ही नहीं है। ये था टाइम टर्नर का जब वो 18th सेंचुरी में काम कर रहे थे, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें डिजिटल एरा, ये चीज़ें इंटरनेट ये सब नहीं था, तो उनका उनके लिए चेंज उनकी पेंटिंग में ही नजर आता था। यानी कि जो उनके आसपास चेंज हो रहा है, दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को दर्शाने का जरिया उस समय आर्टिस्ट के पास उसकी पेंटिंग थी, आज भी है, लेकिन आज और भी चीजें हमारे पास है चेंज को दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर
आप इस चेंज को समझ रहे हो कि सोशल मीडिया आ गया, जमाना चेंज हुआ है, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले आर्टिस्टों के पास ये तरीका नहीं था अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे ये वीडियो में मैं बोल रहा हूं, ये भी एक तरीका है एक्सप्रेस करने का अपने आप को, अपने आर्ट को, अपनी थॉट को, अपनी नॉलेज को, अपनी जो भी आपने सीखा समझा उन चीजों को। तो अगर आप इस चीज को अपना नहीं पा रहे हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे फेसबुक चलाना नहीं आता, मुझे यूट्यूब पे ना वीडियो बनाना नहीं आता, मैं अपने आर्ट की वीडियो बना के शेयर करना चाहता हूँ पर ना मन नहीं हो पाता, शेयर नहीं कर पाता, ये होता है वो होता है, वो आर्टिस्ट तो पॉपुलर हो गया मैं क्यों नहीं हो पा रहा, मैं तो आर्ट। तो आप अल्टीमेटली चेंज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि चीजें चेंज हो रही है, समय के साथ बदलना पड़ेगा, समय के साथ जो चीजें चाहिए उन चीजों को सीखना पड़ेगा, चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंज को समझना पड़ेगा, चेंज के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, जो चीजें चाहिए सीखने के लिए वो सीखनी पड़ेगी। तो चेंज को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, 99% लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। चेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी है आर्ट की दुनिया में, अपने आर्ट के लेवल पे भी जो जरूरत है, जो सीखने की जो चीजें हैं, अपने माइंडसेट के लेवल पे भी कि मैं अभी तक ये कर रहा था अभी ये करना पड़ेगा तो जरूरी है तो करना पड़ेगा, वो माइंडसेट के लेवल पे, थॉट लेवल पे चीजें का ओपन होना, अपने काम के लेवल पे उसका ओपन होना, समाज में जो बदलाव चल रहे हैं उन चीजों को देख पाना कि वो मुझसे कैसे कनेक्टेड है, मेरे आर्ट से कैसे कनेक्टेड है, मेरी लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, इन सब के लेवल पे जब आप सोच नहीं रहे हो और आप टाइम पास कर रहे हो व्लॉग देख के, कॉमेडी वीडियो देख के, छोटे छोटे रील्स देख के, लड़कियों को नाचता देख के गलत तरीके से, अगर आप ऐसे चीज़ों से अट्रैक्ट होकर बस उसी में अटके पड़े हो मेरे दोस्त, तो आप खुद सोचो कि दुनिया इतनी बड़ी है, आर्ट का फील्ड इतना बड़ा है, इतना कुछ करने के लिए है, समाज में आर्ट को फैलाना भी है, खुद आर्ट सीखना भी है, आर्ट की चीज़ों को समझना भी है, एक्सप्रेस भी करना है, सोशल मीडिया भी सीखना है, 100 चीज़ें सीखने के लिए, तो आप सोचो कि कितना टाइम कहाँ कैसे क्यों आप बर्बाद कर रहे हो। एक और पॉइंट जो कि पॉइंट आप बोलो या एक कंक्लूजन बोलो कि टर्नर का जो आर्टवर्क रहा, टर्नर की लाइफ की जो फिलॉसफी रही, वो फिलॉसफी उनका एक लेगेसी थी, वो उनके आर्टवर्क्स आज कल आने वाले कई साल तक लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते रहेंगे। और कहीं ना कहीं टर्नर की भी ये सोच रही थी कि मुझे समाज में अपने इस विचारधारा को बदलना है कि लैंडस्केप को बहुत छोटा माना जाता है या लैंडस्केप में उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं जितना लोग उसको इतना हल्का मानते हैं या इतना कम लेवल का मानते हैं, कम दर्जे का मानते हैं। तो ये जो उनका थॉट ही वैसा था कि कुछ एक विजन थे, उनका एक विजन था कि मुझे एक बदलाव लाना है इस आर्ट के प्रति, आर्ट को लेके, लैंडस्केप को लेके, लैंडस्केप के प्रति जो लोगों का विचार है उसमें बदलाव लाना है, लैंडस्केप की क्वालिटी में जो वो चीज़ें दिखाना चाहते थे उसके लिए वो एक्सट्रीम लेवल पे जाते थे और बहुत सारी चीज़ें वो ऐसा करते थे या उनका सोच ऐसा था कि अपने आर्ट से मुझे एक बदलाव लाना है समाज में। उसके लिए उन्होंने बहुत चैलेंजेस फेस किए, खुद को पता नहीं कितने एक्सट्रीम सिचुएशन में उन्होंने रखा है, कितने ज़्यादा स्ट्रगल से वो गुजरे हैं, बहुत सारी बदनामियों से, बहुत सारी बदतमीजियों से, बहुत सारे लोगों के तानों से गुजरे हैं जब उन्होंने कुछ नया चेंज करने का सोचना शुरू किया। तो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होने के बावजूद भी उनका एक विजन क्लियर था कि बदलाव लाना है तो लाना है, ओके। और ये विजन हम सबको भी होना चाहिए। अगर आप छोटे लेवल पे सोच रहे हो कि मुझे आर्ट में बस थोड़ा बहुत आर्ट सीख जाऊँ मैं और थोड़ा बहुत कर लूँ, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप बड़ा सोचते हो, जैसे बोलते हैं ना कि शूट फॉर द स्टार्स, कि सोच आप रहे हो आसमान छूने का, तो कहीं ना कहीं 20वीं मंजिल की बिल्डिंग तो छू ही लोगे, लेकिन आप सोच ही पहले से रहे हो कि बिल्डिंग छूना है तो आप नीचे नीचे ही कहीं रुक जाओगे। ऊपर का एक विजन होना चाहिए, एक पर्पज़ होना चाहिए लाइफ का। ये जो मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना है, ओके, ये छोटा सोच है। मुझे वीडियो बनाना है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आर्टिस्टों की जो थॉट थी, उनकी फिलॉसफी थी लाइफ, उसको लोगों तक पहुंचाना है। ये बड़ा सोच है कि हम लोगों को कनेक्ट करें, लोगों के दिलों को टच करें, आर्टिस्टों की नॉलेज को शेयर करें, वो विजन है इस वीडियो, इन वीडियो, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो फील एक रहता है, तब जाके मज़ा आता है वीडियो शूट करने का। और इतना ज़्यादा मैं नेचुरल रॉ बात करता हूँ, कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं, ओके, ताकि मैं रियल बात कर सकूँ कि विजन है। और ये विजन मेरा अचानक से नहीं बना, YouTube को स्टार्ट करने से पहले से था कि एक दिन जब बहुत सारे लोग कनेक्ट होंगे तो मैं अपने विचार रख सकूंगा आर्ट के प्रति, जो मेरी फीलिंग्स उसको शेयर कर सकूंगा, और वो पर्पस मुझे इंस्पायर करते रहता है कि और काम करना है। अगर मेरा छोटा सा पर्पस रहता कि वीडियो बना दूंगा, थोड़ा एडसेंस से पैसा आ जाएगा, बस काफ़ी है, ये छोटे मोटे सोच को नहीं रखना है। ऐड तो मैं बहुत जगह बंद ही रखता हूँ ताकि ये वीडियो के बीच बीच में ऐड ना है, तो वो छोटी सोच है। अपने को बड़ा खेलना है, बड़ा विजन रखना है, और ये चीज़ें हम ऐसे मास्टर से सीख सकते हैं।
मास्टर से, मास्टर आर्टिस्टों से सिर्फ आप उनके टेक्निक्स नहीं सीखते हो, उनके लर्निंग्स, आर्ट को लेकर लर्निंग्स नहीं सीखते, उनकी सोच सीखते हो। सोच खुलती है तो वो सोच आपके काम में दिखती है। काम करते रहने से सोच बड़ी नहीं होती है, सोच बड़ी होती है तो वो बड़ी सोच के लिए जो करना पड़ता है आदमी करता है, फिर वो काम में दिखता है। तो हम उल्टा काम करते हैं आज के टाइम पे लोग, कि पहले काम करेंगे, सोच भाड़ में जाए। ओके, सोच क्या सोचना है, इतना बड़ा क्या सोचना है, ये क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, ये सब तो भाड़ में जाए। हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उतना काफी है मेरे लिए। अरे जो भाई प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपकी सोच अगर बड़ी है तो वो प्रैक्टिस में दम दिखेगा। वो प्रैक्टिस आप सिर्फ इसलिए नहीं करोगे कि इस प्रैक्टिस से मैं कुछ अच्छा कर लूंगा तो आर्ट में हो सकता है मैं कुछ कर ले जाऊं, आर्ट में हो सकता है थोड़ा बहुत प्रोफेशनल में बन जाऊं, थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं, काफ़ी होगा। ये छोटी सोच से बाहर निकलोगे आप, पहले ये सोचोगे कि कुछ बड़ा सोचता हूं, बड़े लेवल पे टारगेट करता हूं, तो पैसा तो आप अपने आप कमाओगे, नाम भी कमाओगे, सब कुछ कमाओगे। ओके, लेकिन बड़े लेवल पे काम करके सोचना है। ओके, अभी हाल में एक कॉलेज का पंचायती चल रहा है कि कॉलेज में ये पंगा हो गया, वो पंगा हो गया, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से। लेकिन ये सब चीज़ें छोटी सोच को दर्शाता है कि हम इन चीज़ों पर अटके हैं कि कॉलेज जाएंगे, ये डिग्री मिल जाएगी, इस डिग्री को ले नहीं लेंगे तो हमारा लाइफ खराब हो जाएगा। छोटी सोच, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई बार बोला, लेकिन बहुत कम लोग इस पॉइंट को सुनते हैं, समझते हैं कि पहले ये टारगेट करो कि आपका कितना बड़ा गोल है, आप समाज में इम्पैक्ट लाना कैसे चाहते हो, आपका क्या तरीका है समाज में इम्पैक्ट लाने का। मेरा ये तरीका है, मैं अपने आर्ट को भी करता हूँ, अपने काम को भी चलाता हूँ, और भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, और भी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ, ये मेरे तरीके हैं। आपका क्या तरीका है, क्या आप उन चीज़ों को अपना रहे हो, क्या आप उन चीज़ों पे काम कर रहे हो जो आपको दर्शाती हो समाज में, बड़े लेवल पे आपको इम्पैक्ट डालने पे मजबूर करती हो, क्या आप दूसरे सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट डाल रहे हो, कैसे लोगों के दिल को टच कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, या लोगों को जोड़ रहे हो, या कैसे अपने काम से लोगों को कुछ वैल्यू दे पा रहे हो। बड़ी सोच, ओके, वैसे लेवल पे अगर आपको काम करने का सोचोगे तो फिर ये छोटे मोटे मुद्दे आपको हिट नहीं करेंगे, ना कोई आपको कुछ आपको फील होगा कि यार इससे कोई मतलब फर्क भी पड़ता है, अपने को तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हम सीखते हैं ऐसे आर्टिस्टों से जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है। टर्नर की बात करें, आज हमने टर्नर की बात की, और भी बहुत सारे आर्टिस्टों के बारे में हम बात करेंगे। हमने पास्ट में विंची के बारे में बात की, हमने कार्लसन के बारे में बात की, वैन गॉग के नाम हम सुनते हैं, ओके, ड्यूरर का नाम हम सुनते हैं, ओके, सार्जेंट का नाम हम सुनते हैं। क्या ये ऐसे थे क्या कि डिग्री मिल जाएगा तो थोड़ा कर लेंगे क्या, ये सब नहीं सोचते थे। इनके जैसा बनना है तो पहले इनकी जैसी सोच को विकसित करना पड़ेगा। ओके, सिर्फ मास्टर को कॉपी करके हम टेक्निकल लेवल पे स्ट्रांग होते हैं, वो होते हैं, वो अच्छी चीज़ है और करना भी चाहिए, उनके वर्क्स को कॉपी करना चाहिए, लेकिन क्या उनके विचार को हम कॉपी कर पाते हैं। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आर्टिस्ट कहाँ से काम करता है, दिमाग से काम करता है। ओके, आर्टिस्ट डोंट ड्रॉ फ्रॉम हैंड, ही ड्रॉज फ्रॉम माइंड। ओके, माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, तो माइंड पे अगर आप काम नहीं कर रहे हो, उनकी विचारधारा को, उनकी सोच को, टर्नर की, विंची की, वैन गॉग की, पिकासो की, इनकी जो रिवॉल्यूशन लाने की जो सोच थी, उसकी विचारधारा को नहीं जोड़ रहे हो यहाँ पे, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि मैं कुछ बड़ा करूँगा। चार लोग कमेंट में गाली दे देंगे, आप डर जाओगे। चार लोग कुछ उल्टा बोल देंगे कि तू तो भाई ऐसा करता है, आर्ट में तो ऐसे होता है, तू तो ऐसी वीडियो बना रहा है, आर्ट में तो ऐसा होता है। अरे जो होता है होता है, मैं जो कर रहा हूँ उससे सोसाइटी में अच्छा हो रहा है ना, तो मैं करूँगा। वो वाली सोच होनी चाहिए, सोसाइटी में अच्छा करना है, आर्ट के लिए कुछ बड़ा करना है, आर्ट की फील्ड में अवेयरनेस बढ़ानी है तो कुछ करना है। वो वाली थॉट नहीं है तो फिर चार लोगों की गाली और दो लोगों की तारीफ, और चार लोगों ने तारीफ की या छह लोगों ने गाली दे दी, ये सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका विजन बढ़ा है। ओके, आप सही कर रहे हो तो आप सही कर रहे हो, अगर अच्छा कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, अच्छा करते जाना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। लव आर्ट, लीव आर्ट।